अभी कुछ दिन पहले सिस्टम के कई सारे ऐप्स के अपडेट निकल के आए थे, जिसकी वजह से हमें कई सारे आईफोन टाइप के विजार्ड्स देखने को मिल रहे थे और बहुत कुछ सिस्टम के अंदर चेंज भी प्रोवाइड किया गया था। बट अभी फिलहाल एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि हमारे म्यूजिक प्लेयर का है, जिसके हेल्प से आप एक अमेजिंग सा लाइव विजार्ड्स ऑन कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, और इस विजार्ड्स के हेल्प से आप किसी भी म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो या कोई भी थर्ड पार्टी या डिफ़ॉल्ट आपका म्यूजिक प्लेयर हो। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हमेशा आपके कंट्रोल सेंटर के एरिया में हमेशा पिन रहेगा ताकि आप कभी भी इसे कंट्रोल कर सको। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि इसे कैसे एक्टिवेट करना है किसी भी Redmi, MI और Poco के डिवाइसेज के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ही सिंपल कर लिया अपने फ़ोन को, और ये जो विजेट्स वगैरह सिस्टम दिखाई दे रहे हैं ना, इससे रिलेटेड मैंने वन डे पहले ही वीडियो दे दिया था कि कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपने नहीं चेक किया है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर पाओगे। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले अपने म्यूजिक प्लेयर के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो कि इन फ्यूचर ऑफिशियली मे बी MIUI 13 और Android 12 के साथ मिल सकता है या फिर 12.5 का इन्हेंस एडिशन के साथ। लेकिन अभी इंस्टॉल करना है तो बस ये कास्ट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद इंस्टॉल पर टैप करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं अपने फ़ोन के अंदर अभी चाइना रोम यूज कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, आप अपने Redmi, MI और Poco के ग्लोबल डिवाइसेज और ग्लोबल MIUI के ऊपर भी इसे यूज कर पाओगे। बस इस कास्ट को इंस्टॉल करना है, और सेकेंड आपको यहाँ पे सिस्टम UI दिखाई देता है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं अपने Redmi के Note 10 Pro के अंदर ये अप्लाई करके दिखा देता, बट अभी इसका स्पीड टेस्टिंग चालू है और चार्जिंग टेस्ट वगैरह, क्योंकि इसका एक OTA अपडेट आया था जिसका पूरा डिटेल मुझे देना है लॉन्ग टर्म का, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ सेम मेथड आपको फॉलो करना है अपने डिवाइस के ऊपर। तो जैसे इन दोनों एप्लीकेशन को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे, आपको अपने कंट्रोल सेंटर में एक नया कंट्रोल देखने को मिलेगा म्यूजिक प्लेयर का, जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से लुक में ये नज़र भी आता है, और कई सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये हमेशा टॉप पे पिन रहता है नीचे की ओर, जहाँ से आप चाहे तो यूट्यूब को कंट्रोल करो या फिर कोई थर्ड पार्टी म्यूजिक को कंट्रोल करो, यहाँ पे सब कुछ है जो पिन रहता है एक्टिवेट रहता है इसके साथ। और बाकी जो म्यूजिक प्लेयर यूज करोगे उसका तो विजेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और लॉक स्क्रीन पे भी मिलेगा, लेकिन वो स्पेशली आपको जो देखने को मिल जाता है अपने कंट्रोल सेंटर पे, जो कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते और अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने सिक्योरिटी ऐप पे जाना है, मैनेज ऐप पे जाना है, ट्रिपल डॉट पे टाइप करके शो ऑल ऐप कर देना है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम। जैसे आप सिस्टम टाइप कर देते हो आपको नीचे की ओर सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा सिस्टम UI प्लग, ठीक है, इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। इसे अनइंस्टॉल करने के बाद कट करना है यहाँ पे और टाइप करना है कास्ट, ठीक है, ये आ गया, और इसे भी आपको अनइंस्टॉल कर देना है। दो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया था, वो दोनों अनइंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये वापस रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से इस फीचर्स को आप काफ़ी इजी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो और काफ़ी इजी तरीके से डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। दोबारा चाहिए तो फिर से आप इसे इंस्टॉल कर लो, आपके फ़ोन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। और मे बी ये Android 10 वाले डिवाइसेज या Android 9 वाले डिवाइसेज पे काम ना करे, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है और लेटेस्ट Android वर्जन पे ही काम कर रहा है। तो कुछ कुछ डिवाइसेज पे काम नहीं करता है, तो आप वहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना, और जब तक आपका Android वर्जन अपडेट नहीं होता जब तक मे बी ये आपके डिवाइस के लिए सपोर्टेबल नहीं रहेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये फीचर्स आपके डिवाइस में एक्टिवेट हुआ या फिर नहीं हुआ। ये एक छोटा सा वीडियो था आज के इस अपडेट के ऊपर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके टाइम टू टाइम। और ये जितना भी फीचर्स मैंने अभी दिखाया है जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, तो आप आई बटन या मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा।